हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं साइप्रस वाइन का प्लांट और इसे मैंने सीड से जर्मिनेट किया था। तो सीड से जर्मिनेशन के बाद का 10 डेज़ का अपडेट और आफ्टर 25 डेज़ का अपडेट का वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखा है, तो आप चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इसे किस तरह से सीड से जर्मिनेट किया था और बहुत ही जल्दी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इनकी लीव्स की वजह से, इनके फ्लावर की वजह से ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इन्हें, इनके सीज़न की अगर बात की जाए तो इन्हें आप फरवरी के लास्ट में सीड्स इनके जर्मिनेट कर दें और अप्रैल से ये बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अक्टूबर के बाद जब सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो इनकी लीव्स अपने आप सूखने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा ही पौधा ये सूख जाता है और डेड ही हो जाता है पूरा पौधा। तो इनके सीड्स अपने पीछे, ये पौधा इन सीड्स छोड़ देता है, तो इनके सीड्स को आप वापस से कलेक्ट कर लें नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस तरह से इसका सीज़न का साइकिल चलता है। इनके फ्लावर मॉर्निंग में खिल जाते हैं और शाम होते होते ये मुरझा जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन में आप देखेंगे इनके ये जो मुरझाए हुए फ्लावर हैं वो अपने आप गिर जाते हैं और पीछे की तरफ ये अपने सीड्स छोड़ देते हैं। तो सीड्स जैसे कुछ दिन तक, तो जब तक ये मैच्योर नहीं होते हैं तब तक आप इन्हें इसी तरह से लगा रहने दें। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो आप देखेंगे इनके सीड्स इस तरह से, मैं आपको दिखा देती हूँ, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अंदर एक बड्स में जो है इसके कम से कम 4 सीड्स निकलते हैं। तो मैं इसे हार्वेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगी जब ये मैच्योर हो जाएंगे। तो हर साल मैं इसी तरह इनके सीड्स को कलेक्ट करके रख लेती हूँ और नए पौधे तैयार कर लेती हूँ। तो आप इसे जब भी जर्मिनेट करें तो इन्हें एक पॉट में, अगर 12 इंच का पॉट है या 10 इंच का, जो भी आप पॉट लेते हैं, तो एक पॉट में आप सिंगल ही प्लांट लगाएं, तभी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और इनकी रूट्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो आप समय समय पर इनकी जो है इस तरह से येलो लीव्स जो हो जाती हैं उन्हें हटाते रहें और थोड़ी बहुत इसकी अगर आप केयर करते हैं तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं। तो आप इस प्लांट को किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। मैंने 2 स्टिक्स लगा दी थी और आप देख सकते हैं दोनों ही स्टिक्स इस प्लांट से कवर हो चुकी है। तो मैं आज इसकी थोड़ी बहुत केयर करूंगी, अभी भी अक्टूबर तक चलेगा ये प्लांट। तो बारिश की वजह से आप देख सकते हैं इसमें काई वगैरह लग गई है। तो आज मैं इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे दूँगी। तो इस प्लांट को अगर आप लगाएं तो इसे फुल सनलाइट बहुत पसंद है, तो इसे फुल सनलाइट में ही रखें, वरना आप देखेंगे कि इसमें मिली बग का अटैक बहुत तेज़ी से होता है और अगर एक बार हो जाता है तो फिर पूरा ही प्लांट धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ये प्लांट काफ़ी मैच्योर हो गए हैं और एक गमले में 4-4 प्लांट लगे होने की वजह से इनके रूट्स को बहुत ज़्यादा फैलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी गमले के नीचे भी इसकी रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं। और अगर ये मेरा एक प्लांट एक पॉट में लगा होता तो और भी अच्छी फ्लावरिंग करता। आपको दिखा देती हूँ इसकी रूट्स किस तरह से ड्रेनेज होल से आप देख सकते हैं निकल आई हैं बाहर की तरफ। बहुत ही हेल्दी रूट्स हैं। अभी भी मैं अगर इसे रिपोर्ट कर दूँ तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा अभी अक्टूबर तक, लेकिन अब मैं इसे नेक्स्ट सीज़न में सीड से फिर से जर्मिनेट कर लूँगी। तो अभी मैं इसमें ज़्यादा कुछ इसकी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करूँगी, अभी इसकी गोड़ाई वगैरह करके खाद वगैरह डाल दूँगी ताकि अक्टूबर तक अच्छे से और फ्लावरिंग हो इनमें और इनके फ्लावर से मुझे सीड्स हार्वेस्ट करने को मिल जाएं, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए अपने दूसरे प्लांट तैयार कर सकूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है और इसकी रूट्स ऊपर तक फैली हुई हैं, ये देखें इस तरह से। तो आप इन्हें सिंगल गमले में ही लगाएं, ग्रो बैग वगैरह में भी आप इसे लगा सकते हैं। बहुत तेज़ी से इनकी रूट्स फैलती हैं और बहुत ही जल्दी ये पौधा मैच्योर हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट दे दूंगी। तो इस तरह से आप इस प्लांट को अगर एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो बार बार आप इसे, आपको इस प्लांट को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आप सीड्स वगैरह से जर्मिनेट करके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं।
और कटिंग से भी ये प्लांट लग जाते हैं। पानी में इसकी कटिंग्स को आप लगा सकते हैं और इनकी रूट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो इस प्लांट का अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।